थैंक यू वेरी मच टू बी हेयर एट वेरी शॉर्ट नोटिस. मेरे साथ आज मियां तारिक जावेद, ए वेरी पॉपुलर ओवरसीज पाकिस्तानी लीडर इन यूरोप एंड द वर्ल्ड, और सेक्रेटरी जनरल यहाँ फादनाम है जो सऊदी अरेबिया में होते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है. और इन्हीं की विमेन विंग की फिरदौस नसार साहब हैं मेरे साथ, जनरल सेक्रेटरी भीषम शौकत हैं, और ये जो आप यंग मैन नज़र आ रहे हैं, इज इज प्रेजिडेंट यूथ बट इज़ अ बॉक्सर ऑल्सो, तो आई वाज स्केयर्ड कि भाई ज़रा ख्याल से साथ खड़े होना. एनीवे, मैं समझता हूँ सबसे पहले लेट मी पे गुड हाई ट्रिब्यूट टू मिस्टर तारिक, क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा लिया है. मैं सबसे पहले तो ये वाजह कर दूँ कि इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है इस फाउंडेशन की जो इन्होंने बनाई है, और ये तकरीबन दुनिया के 87 मुल्कों में इस वक्त काम कर रही है, और इसका बेसिक मकसद ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके राइट्स जो हैं उनको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. ज़्यादातर कोशिश इनकी होती है कि जब भी कोई पाकिस्तानी एलीट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लोग जाएं तो उनको याद दिलाएं वो वादे जो हमेशा वो करते हैं जब बाहर जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो भूल जाते हैं. मैं आपको वाजह कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए हर वो फैसिलिटीज़ दी जाए जो उनको ज़रूरत है. ओवरसीज़ पाकिस्तान यहाँ पर आकर लुटते भी हैं, उनके साथ बहुत सी ज्यादतियाँ भी होती हैं, और इसलिए मैंने बहसीयत इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान एक सेल क्रिएट किया था जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इश्यूज को देखता था, और विद इन 24 आवर्स वो वाया लाइन जो इंटरनेट की लाइन थी उनको जवाब देते थे. लेकिन बहरहाल मैं किसी पे क्रिटिसिज्म किए बगैर, इनकी जो डिमांड है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डुअल नेशनलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो डुअल नेशनल हों. मुझे पता है कि कैबिनेट ने परसों एक बिल पास किया है जो उन्होंने कहा है जी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक हिस्सा आगे जाना चाहता हूँ कि इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो उनको डुअल नेशनलिटी से रिज़ाइन ना कराएं. आप तो पहले ही उन्हें डिस्कर्स कर रहे हैं आने से पहले ही, तो लिहाजा वो जब भी बिल आएगा मेरी अमेंडमेंट मेरी तरफ से ये होगी कि उनको इलेक्शन लड़ने के बाद उसकी रेजिग्नेशन नहीं कराएं उसकी, या से उसकी जो नेशनैलिटी उसको ना छुड़वाएं, क्योंकि उसकी वजह से उनके बच्चों को उनके बिजनेस को बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है. अगर पाकिस्तानी ओरिजिन का एक बच्चा जो कि टैक्सी ड्राइवर का है पाकिस्तान से है वो एक मुल्क का वजीर दाखला वहाँ बन सकता है, मेयर बन सकता है, आप चले जाएं यूरोप के मुल्कों में मुख्तलिफ में आपको मोस्टली नज़र आएंगे, और ये प्रडिक्शन है कि कनाडा में अगले 20 साल में हो सकता प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो वहाँ पे. ये वहाँ पे जब तौसब नहीं है तो हम ये तौसब क्यों रखते हैं? हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो कभी पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करेगा. गद्दार वो है जो गद्दारी करने के लिए पैदा होता है, जो लालची होता है, जो पैसे लेता है और फिर गद्दारी करता है. तो लिहाजा हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, तो उल्टे हमें पैसे देते हैं. ये अपनी जितनी भी इनकी तरसील होती है पैसे की इनके थ्रू होती है. दूसरा उनका जो मुतालबा यह है कि उनके जो मुकदमात उनका मसला होता है, मैंने इनको सजेस्ट किया कि मैं मूव करता हूँ बिल एक जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक स्पेशल कोर्स बनाए जाएँ, और उस स्पेशल कोर्स को सुनने का अख्तियार हो कि ओवरसीज़ में बैठे हुए उनके वकील और उस क्लाइंट को उस साइल को सुन सकें और फैसला कर सकें. और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, इनसे भी बहन भाइयों से भी वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा. अभी आपको याद होगा रिसेंटली वाकया हुआ है मोटरवे पे, उसका मैंने खुद से वो मोटर लिया है, और मैं परसों अपनी मीटिंग भी उस पर की. नेक्स्ट वीक इस पर नेक्स्ट मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा, क्योंकि मैं इस पर परसों पौने घड़ी तकरीर भी किया है उसमें हाउस में भी. और इंशाल्लाह उस वक्त तक जब तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं जाता और कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचता हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी. आपको पता है जैनब के मसले में मैंने पुलिस के एडिशनल आईजी को भी आईजी को बुला लिया था, उसे मैंने कहा आप मेरे मेहमान हैं 3 दिन, जब तक जैनब का केस क्लियर नहीं होता आप यहाँ हमारे मेहमान हैं. आपने देखा कि वो 24 आवर की 48 आवर्स में क्लियर हो गया और वो मुजरम पकड़ा भी गया. बहरहाल हमारे कानून में बहुत सिकम है, और कल मैंने यही कहने की कोशिश की थी कि हम बड़े बड़े लाभ बना रहे हैं फैट पे, हम मनी लॉन्ड्रिंग पे लाभ बना रहे हैं, हम हर वो चीज़ जो बाहर के मुल्क कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं रेप के लिए स्पेशल लॉ ला सकते?
रेप स्पेशल लॉ के साथ कानून है फांसी का, लोगों को गलतफहमी है। कानून ये भी है कि ये सरेआम होगा, सरेआम को डिफाइन उन्होंने ये किया कि वो जेल में होगी और जेल में जो विक्टिम की फैमिली है, इमीडिएट फैमिली है, वो देख सकती है। अब जो दुनिया चाह रही है कि वो एक दफ़ा लटके बाहर ताकि पता चले, एक डिटरेंस पैदा हो, ये एक बहस चली है। आप देखते हैं कि ये बहस किस हद तक कहाँ जाती है और वो अगले चंद दिनों आने में इसका फैसला हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ एक लाहौर में है, बाकी सारे जो हमारे मुल्क के कैपिटल्स हैं वो सारे के सारे आते हैं लाहौर उसको टेस्ट कराने के लिए, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने डायरेक्शन पास की थी सेक्रेटरी इंटीरियर को कि इसी साल में इसी बजट में इस पे पैसा लगा के यहाँ पे लाया जाए। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इज़्ज़त नहीं देंगे और जो कि इज़्ज़त के हकदार हैं, जो चार दिन के लिए पाकिस्तान में आते हैं लुट के चले जाते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर में जो एक पुराना एफिडेविट का कागज़ होता है जिस स्टाम्प पेपर कहते हैं, वो जब पाकिस्तान में उसी वक्त का नाम लेके तो प्रॉपर्टी उसके अपने नाम लगा लेते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में चलता रहता है, दादा से परदादा हो जाता है, बंदे को इंसाफ नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हैं उनके लिए कानून सख्त से सख्त हो और कानून के साथ जो रूल्स बने, जो SOP बने, वो नहायत ही सख्त किस्म की हो। दिस इज़ एग्जैक्टली वी वांट। मैं दोबारा ज़रा ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान को ये वादा करना चाहता हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लीडरशिप को, कि मैं आज जिन दोस्तों के साथ खड़ा हूँ इनके साथ पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। और मैंने इनसे वादा किया है कि आप जो चीज़ लेके आएंगे और वो उनके मफाद में होगी, मैं उनके साथ जितना भी काम कर सकता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ, लीड ये करें, मैं इनके पीछे खड़े होकर जो इन चीज़ की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर करूँगा।